चैनल मैं हूँ सुप्रिया और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस डेट्स यानी कि खजूर के लड्डू। इन लड्डुओं की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सुगर फ्री है, यानी कि इन्हें बनाने में हम ना तो सुगर ना तो जैगरी, इन दोनों में से किसी भी चीज का यूज नहीं करेंगे। साथ ही साथ ये लड्डू बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाते हैं, यानी कि 10 मिनट के अंदर ही ये लड्डू बन करके तैयार हो जाते हैं। तो इस रक्षाबंधन और इसके बाद आने वाले सभी त्योहारों में आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप सीडलेस डेट्स यानी कि खजूर। इसके साथ ही साथ मैंने लिया है 1 टेबलस्पून पॉपी सीड मतलब खसखस। 1 टेबलस्पून ही मैंने लिया है क्लेरिफाइड बटर जिसे हम कहते हैं घी, देसी घी। और हमें लगेगा 1/2 कप बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ले सकते हैं और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। मैंने काजू, बादाम, पिस्ता, नारियल और किशमिश ले रखी है। तो चलिए हम अपने अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और उसमें डालेंगे खजूर को। अब ये जो खजूर है इसे हमें कोर्सली यानी कि दरदरा ग्राइंड करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें हमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। बिना पानी की सहायता से ही ये देखिए इस तरीके से इसे हम दरदरा ग्राइंड करेंगे। ओवर ग्राइंड ना करिएगा, नहीं तो ये बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाएगा। बस इतना ही इसे हमें ग्राइंड करना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब एक पैन को हम गर्म होने रखेंगे और इसमें डालेंगे देसी घी। घी को अच्छे तरीके से गर्म हो जाने देंगे। घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो अभी किशमिश मैं नहीं डाल रही हूँ, किशमिश को हम बाद में डालेंगे क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बहुत बारीक कटे हुए हैं। अगर किशमिश भी साथ में डाल देंगे तो वो जल सकती है। तो इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें किशमिश ऐड करेंगे। तो ये देखिए बस इतना ही इसे हमें फ्राई करना है। अब हम डाल देंगे किशमिश। अब इन सारी चीजों को हमें मीडियम फ्लेम पर भून लेना है जब तक कि जो ड्राई फ्रूट्स है वो क्रंची नहीं हो जाते हैं, इनका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता और किशमिश थोड़ा फूल नहीं जाती है। तो ये देखिए ये सारी चीजें अच्छे से भून चुकी है। इसमें अब हम डाल देंगे खसखस। खसखस को भी लगभग 1 मिनट तक बिल्कुल फ्लेम को हम लो कर देंगे और धीमी आंच में ड्राई फ्रूट्स के साथ हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे जिससे इसका कलर हल्का चेंज हो जाएगा और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये देखिए सारी चीजें भुन चुकी हैं, किशमिश भी अच्छे तरीके से फूल चुकी है और कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। अब हम डालेंगे इसमें हमारे दरदरे पिसे हुए डेट्स यानी कि खजूर को। तो इसे डालते समय गैस को मैंने अभी बंद कर दिया है। पहले हम इसे अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे क्योंकि पैन ऑलरेडी बहुत गर्म है। तो पहले इसे हमें ड्राई फ्रूट के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए ये ड्राई फ्रूट और डेट्स जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। फ्लेम ऑन कर दिए मैंने अब और फ्लेम को मैंने लो मीडियम रखा है, फ्लेम हम हाई नहीं करेंगे। इसे हम 3 से 4 मिनट भूनेंगे। बिल्कुल आप देखोगे कि 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर ही ये बिल्कुल अलग अलग होने लगेगा। पैन का तला जो है वो छोड़ देगा, सारी स्टिकीनेस जो डेट्स की है वो चली जाएगी और ये लड्डू बांधने के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखिए ये बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि अब इसके हम लड्डू बांध सकते हैं। तो फ्लेम को हम बंद कर देंगे और ये जो मिक्सचर है इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। डेट्स लड्डू बनाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि मिक्सचर को पूरा ठंडा ना होने दें, नहीं तो फिर लड्डू नहीं बंधेंगे। अभी ये हल्का गर्म है तो अब इसके लड्डू बांधने में शुरू करूंगी। इस तरीके से हाथों में लेकर गोल घुमाते हुए हम लड्डुओं को तैयार कर लेंगे। लड्डू की साइज आपके ऊपर डिपेंड करती है, मैं लेमन साइज के लड्डू बना रही हूँ। ये लड्डू बहुत ही ज्यादा डिलीशियस, बहुत ज्यादा यम्मी होते हैं, आप सब इसे जरूर ट्राई करिएगा। तो सारे लड्डुओं को हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। पास ही बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें जिससे मेरे सभी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहेंगे। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे लड्डू बनकर के तैयार हैं।
अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो फिर जो इसका मेजरमेंट है उसे आप डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। तो देखिए हमारे लड्डू कितने ज्यादा डिलीशियस दिख रहे हैं, इन्हें ठंडा करके आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। उम्मीद है ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।